हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपांश है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऑप्टोमेट्री क्या चीज़ होती है। एक ऑप्टोमेट्री एक मेडिकल प्रोफेशन है, ये एक कोर्स है जो कि बेसिकली 4 साल का होता है अगर हम बैचलर्स करें तो, जिसमें हमारा 1 साल का इंटर्नशिप आता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, क्या करता है, कौन होता है। तो बेसिकली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक डेफिनेशन दी है ऑप्टोमेट्री की, जो कि कुछ इस प्रकार है। A healthcare profession concerned especially with examining the eye for defects and faults of refraction, with prescribing correction lenses or exercises, with diagnosing disease of the eye and with treating such diseases or referring them for treatment. यानी कि अगर हम बात करें एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की, तो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो कि हमारी आंखों की माइन्यूट से लेके मॉडरेट जांच तक करता है। यानी कि अगर हमारे आंख में कोई अगर दिक्कत है तो हम सीधा का सीधा जो है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो पता लगाता है कि हमारी आंख में बेसिकली क्या दिक्कत है। अब एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जब आप लोग जाएंगे या हम लोग जब कोई भी पेशेंट एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास आता है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं। तो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो हमें एक चार्ट दिखाई देता है सबसे पहले, जिस पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कहीं पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, कहीं पे CE चार्ट जो होते हैं, वो जो चार्ट होता है दैट चार्ट इज बेसिकली नोन एज स्नेलेंस चार्ट। और वो जो स्नेलेंस चार्ट होता है वो कोई आम चार्ट नहीं होता है, वो जो डिजाइंड होते हैं उस पे लेटर्स, दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर आवर आईज, हमारी आंखों के लिए उसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। अब वो जो डिजाइन होता है वो हमारी आंख के अंदर एक प्रॉपर एंगल बनाता है, जिसकी मदद से हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारी आंख का जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस है वो क्या है। अब कोई भी पेशेंट हमारे सामने आएगा, उसको बेसिकली हम 6 मीटर की दूरी पे बिठाते हैं और 6 मीटर से हम लोग बेसिकली एक एक आंख का, पहले राइट आई फिर लेफ्ट आई, हम लोग उसकी आई को एग्जामिन करते हैं, उसका विजन लेते हैं। अब एक पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो सबसे पहले उसके पेपर वर्क के बाद हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे उसके सामने, सबसे पहले जो चीज़ होगी उसका डेमोग्राफिक डाटा लिया जाता है। हम ये पूछते हैं पेशेंट से कि हम ये पता लगाते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास स्लिप लेके आया है वो उसी पेशेंट की है या नहीं है। देन हम लोग उसके बाद उस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि उसको जो दिक्कत हो रही है, जो परेशानी हो रही है, वो कब से है, क्यों है, क्यों का तो जो है हमें पता लगाना है, बट वो कब से है और कितने समय से उसको हो रही है। तो बेसिकली जो हिस्ट्री टेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। इसी के साथ साथ हम जो करते हैं स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन क्या होता है? स्लिट लैंप एक प्रकार की मशीन होती है जिसके द्वारा एक माइक्रोस्कोप होते हैं, जिसके अंदर हम उससे क्या करते हैं अपनी आंखों की जांच बड़े ही माइन्यूट तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो इंटीरियर सेगमेंट होता है हमारी आंख का वो पूरा का पूरा हम लोग उसके अंदर देख सकते हैं, एंड क्या उसको दिक्कत है, परेशानी है, वो सारी की सारी हम लोग उस स्लिट लैंप की मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास और डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, जैसे कि रेटिनोस्कोपी है। रेटिनोस्कोपी की मदद से हम लोग पेशेंट का जो एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव स्टेटस है वो पता लगा सकते हैं, यानी कि जो चश्मे का नंबर होता है पेशेंट का वो हम लोग पता लगा सकते हैं एक रेटिनोस्कोप की मदद से। एंड इसके अलावा हमारे पास एक AR होता है, AR इज बेसिकली ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, जिसमें हम लोग पेशेंट के आँख का रिफ्रैक्टिव स्टेटस जो है वो मोटा मोटा पता लगा लेते हैं। एंड इसके ही अलावा जो AR से सिमिलर एक मशीन होती है जिसको हम लोग NCT बोलते हैं। NCT बेसिकली क्या होती है? NCT इज नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री। इसमें हम लोग हमने हमारे आँख का जो प्रेशर है, आँख के अंदर जो दबाव है, उसके बारे में हम लोग इसमें पता लगा सकते हैं कि इसमें आँख का प्रेशर कितना है, एंड हम लोग पेशेंट को बता सकते हैं। इसके अलावा जो हम करेंगे, सबसे पहली जो चीज़ होगी हमारे सामने वो होगी एक टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली हम लोग एक टॉर्च से ऐसे ही नेकेड आइज से हम पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। तो जितने भी ये प्रोसीजर्स हैं, ये सारे के सारे प्रोसीजर्स एक ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करेगा। अगर हमें कोई आई का कोई सर्जरी अगर करनी है, तो सर्जरी से पहले जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे एक ऑप्टोमेट्रिस्ट ही परफॉर्म करता है, जैसे कि फंडस फोटोग्राफी, पेरीमेट्री, हमारा ए स्कैन, बी स्कैन, गोनियोस्कोपी और ऐसे ही बहुत सारे। स्लिट लैंप की मदद से जो है हम लोग एक्यूरेटली हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर को जांच सकते हैं। उसमें एक अलग से एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसको हम लोग एप्लानेशन टोनोमीटर बुलाते हैं, वो भी एक ऑप्टोमेट्रिस्ट जांच सकता है। बेसिकली एक ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या क्या करता है और वो क्या कर सकता है? तो सबसे पहली जो चीज़ है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो आई डिजीज को
ट्रीट कर सकता है। ग्लूकोमा, रेड आई और कंजंक्टिवाइटिस जो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, आई इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का हमें है तो उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ब्लेफराइटिस अगर किसी पेशेंट को हो गया है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसके अंदर ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट लेंसेज की, जो कि आज की हमारा सबसे ज़्यादा चश्मे के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है, दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट लेंस। हम लोग अगर किसी को चश्मा पसंद नहीं है या फिर वो दिखाना नहीं चाहता है कि उसने चश्मा पहना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट लेंस उसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट लेंस का प्रिस्क्रिप्शन जो हम देता है वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करता है, तो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट कॉन्टैक्ट लेंस को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, he has an authority to do so। इसके अलावा अगर जितने भी हमारे इंडिया के अंदर कर लो या फिर वर्ल्ड में जितने भी हमारे लो विजन पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देता है, उनकी रिहैबिलिटेशन में भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जितने भी हमारे ब्लाइंड स्कूल्स हैं, ब्लाइंड जितने भी NGOs ने जो ब्लाइंड सेंटर्स खोल रखे हैं, वहाँ पे भी हम लोग एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, वी ऑल्सो परफॉर्म रिफ्रैक्शन, वी परफॉर्म स्लिट लाइन आई एग्जामिनेशन, वी ऑल्सो परफॉर्म रूटीन आई एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें एक ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। अब मान लो एक पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आया है तो हम उसके पेपर वर्क के बाद क्या करेंगे, एक प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, कब से ऐसा हो रहा है, क्या उसको हो रहा है, एग्जैक्ट तरीके से हम लोग उसको जानेंगे, देन वी कैम टू अ प्रॉपर डायग्नोस एंड डायग्नोस के बाद वी ट्रीट दैट पेशेंट अकॉर्डिंगली। एंड इसके बाद हम डायलेटेड आई एग्जामिनेशन भी करते हैं। डायलेटेड आई एग्जाम में क्या होता है, हम पेशेंट की आंख में एक आई ड्रॉप डालते हैं जिससे उसका प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएगा, एंड वी ऑल्सो एग्जामिन देयर फंडस, यानी कि हम लोग रेटिना की भी जांच जो है वो एक ऊपर ऊपर से एक मोटी मोटी जांच जो होगी वो हम एक ऑप्टोमेट्रिस्ट कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको इसी तरीके से ऑप्टोमेट्री कैसे करते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, कब हम इसको कर सकते हैं, अगर इन सभी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी हम लोग बाकी इस पर डिटेल वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय ऑल द वीडियोस। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।